आग्रह महोदय। धन्यवाद माननीय आदित्य जी। माननीय श्री संजय सेठ जी। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो मैं 117 खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं जो अभी पेरिस जा रहे हैं, और मैं उनसे विश्वास है मेरा कि वो बहुत अधिक संख्या में मेडल जीत के वापस आएंगे। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस साल खेल मंत्रालय को 3,442 करोड़ रुपए का बजट दिया है, और हमारी सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट का दर्जा दिया है, और मणिपुर में इसके लिए देश का पहला राष्ट्रीय स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है। महोदय, मैं सदन के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ जो हमारे खिलाड़ियों से संबंधित है। खेलो इंडिया योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण और जमीनी स्तर पर स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम पूरी शिद्दत से कर रही है, और इन योजनाओं की वजह से ग्रामीण इलाकों में भी प्रतिभाशाली युवा देश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रहे हैं। इस योजना के तहत 32 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र और 1,059 खेलो इंडिया केंद्रों की सहायता दी जा रही है। आज पूरे विश्व में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड हर जिले में बनाए जा रहे हैं, तथा हमारे खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार ने पेरिस में आगामी ग्रामीण खेलों के लिए भारत की तैयारी पर 16 खेल विधाओं पर 470 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। हमारे खिलाड़ियों के पास खेल संबंधित सारी सुविधाएँ मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी असुविधाएं इनको सामना करना पड़ा है वो आवास की है। आज ग्रामीण और गरीब परिवार से आने वाले बच्चों के प्रशिक्षण के लिए उनको शहर आना पड़ता है, और वो या तो किराए पे मकान लेते हैं या स्पोर्ट्स हॉस्टल में उनको जगह मिलती है, जहां कभी कभी उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा महिलाओं को इसके लिए असुविधा होती है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया गया है, उसी प्रकार से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु एक आवास योजना शुरू की जाए, जिससे हर जिले में हमारे एथलीट्स को आवास की सुविधा मिले और वे बेहतर तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करके देश का नाम रोशन करें। आवास परियोजनाएँ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकती हैं। 2014 से सरकार देश के खिलाड़ियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और यह उसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संजय सेठ जी। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी। धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने अपनी वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट में कहा है कि भारत का बाल टीकाकरण स्तर अभी भी महामारी पूर्व चरण तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम में 2023 में 16 लाख बच्चों को डीपीटी और खसरे की खुराक नहीं दी गई है, यह एक गंभीर मामला है। 2023 में 1.6 मिलियन शून्य खुराक वाले बच्चे 2022 की तुलना में 45% अधिक हैं। संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि भारत उन 52 देशों में एक है जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर होने के बावजूद टीकाकरण पैकेज में एचपीवी टीकाकरण को शामिल नहीं किया गया है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं में होने वाले लगभग 18